हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो अपने सेडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस इमेज लेंगे और फिर लाइटली लेआउट करनी शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए यूज करेंगे सर्कल। सर्कल के बीच से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारा लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो। अपर पार्ट के लिए यूज करेंगे ओवल शेप। फिर ओवल को दो कर्व लाइंस की हेल्प से बॉटम पार्ट में मिला देंगे। इसके दोनों हैंडल को कर्व्स लाइन की हेल्प से बना लेंगे। ओके, इस तरह अब हमारा लेआउट फाइनल हो चुका है। इसके बाद रेफरेंस इमेज में लाइट के डायरेक्शन को देखेंगे और फिर लाइट और डार्क एरिया को समझेंगे। इसके बाद डार्क एरिया में ग्रेफाइट का एक लेयर लगा देंगे। अपर पार्ट से धीरे धीरे टोन बढ़ाना शुरू करेंगे। और फिर शेड एरिया में टोन को और बढ़ाएंगे। लाइट एरिया में HB पेंसिल से शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। पेंसिल को बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे, नहीं तो शेडिंग में दाग आ जाएगा। उसके बाद डार्क और लाइट एरिया को सॉफ्ट शेडिंग के द्वारा मर्ज करेंगे। उसके बाद रेफरेंस में जहाँ जहाँ थर्ड टोन होगा वहाँ वहाँ टोन को और बढ़ाएंगे।
बैकग्राउंड शेडिंग करते समय लाइट एरिया के पास डार्क शेडिंग करें और डार्क एरिया के पास लाइट शेडिंग करें, और इससे हमारा फोरग्राउंड मिडिल ग्राउंड से निकल कर आएगा। किसी भी पुराना ब्रश से शेडिंग को मर्ज कर लेंगे ताकि हमारा शेडिंग स्मूथ हो जाए। इस तरह के रियलिस्टिक ड्राइंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।